मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म। तो अब इसमें हम लोग पढ़ेंगे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर कोई चार्ज मूव कर रहा है तो उसमें फोर्स लगती है। लेकिन मैग्नेटिक फील्ड ही हम अगर ना जानते हो तो आप यहां देख सकते हैं, जैसे प्लस से निकलकर माइनस में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जाती थी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉजिटिव चार्ज से निकलकर नेगेटिव चार्ज में घुस जाती थी, ऐसे ही मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी नॉर्थ पोल से निकल के साउथ पोल में चली जाती है। ये अपना मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ दोनों मार्ग है, ये डाइपोल है, प्लस माइनस दोनों मार्ग। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड एक फोर्स का माहौल पैदा करता है, वैसे ही मैग्नेटिक फील्ड भी फोर्स का माहौल पैदा करता है, वैसे ही ग्रेविटेशनल फील्ड भी फोर्स का माहौल पैदा करता था पिछली क्लास में जब हम लोग 11th में थे। तो सबसे पहले, कुछ शुरू करने से पहले, आपको ये दोनों डायग्राम्स बना लेने चाहिए। बायो सावर्ट लॉ में शुरू होने से पहले हमें मालूम होना चाहिए क्लास 10th का राइट हैंड थंब रूल। तो जैसे मान लीजिए करंट ऊपर की डायरेक्शन में जा रहा है, तो हम लोग जिस डायरेक्शन में करंट होगा उस डायरेक्शन में अंगूठे को रखेंगे, राइट हैंड के अंगूठे को। और राइट हैंड की ये जो चारों उंगलियां जिस तरह से कर्ल हो रही होंगी उसी डायरेक्शन में, जैसे यहां पे ये कैसे ऐसे कर्ल हो रही हैं, तो इस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड होगी। ये डायरेक्शन होगा मैग्नेटिक फील्ड का, यानी कि अगर हम इस वायर के इस साइड देखें तो यहां से मैग्नेटिक फील्ड बाहर आ रही होगी, इस साइड देखें तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही होगी। बाहर आने वाली मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, और अंदर जाने वाली मैग्नेटिक फील्ड को क्रॉस से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये बी और ये बी दोनों की सिचुएशन बना रहे हैं। फिर से समझ लीजिए, ऊपर करंट जा रहा है, उंगलियां ऐसे कर्ल हो रही हैं, तो इस पॉइंट पे प्लेन के बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के बाहर आ रही है मैग्नेटिक फील्ड, और इस पॉइंट पे प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड, प्लेन के अंदर जा रही है मैग्नेटिक फील्ड। ये डायग्राम असल में 3D में होगा। जैसे अगर मैं सर्कुलर करके दिखाना आपको चाहूं तो राइट हैंड थंब रूल के लिए मैं ये लेकर आया हूं एक बैंगल, ठीक है। तो अगर मान लीजिए ये जो ब्लैक पार्ट है ये एरो है, ये इसकी अपवर्ड डायरेक्शन को डिनोट कर रहा है, तो हमारी जो मैग्नेटिक फील्ड्स होंगी इसके चारों तरफ ऐसे सर्कुलर वे में होंगी, ऐसे बड़े बड़े, एक सर्कल ये है, एक और बड़ा सर्कल, एक और बड़ा सर्कल, ऐसे बनती जाएगी। लेकिन सर्कल में भी क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो कंप्लीट लूप होती हैं, तो सर्कल में भी वो किस डायरेक्शन में चलेंगी, इधर से बाहर ऐसे, ठीक है। फिर ध्यान से देखिए, ऐसे ऐसे। तो अब अगर अपना वायर ऐसे है और बाहर करंट जा रहा है तो मेरी उंगलियां ऐसे कर्ल हो रही हैं, थंब बाहर जा रहा है, सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ये डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाएगी, एंटी क्लॉकवाइज। तो इसी चीज को जब ये ऐसे आ रहा है, ऐसे 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 चल रहा है, तो इसी चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए यहां आ रहा है तो बाहर आ रहा है, तो ये बाहर आता हुआ, यहां आ रहा है अंदर जा रहा है, तो ये अंदर जाता हुआ। ये हो गया राइट हैंड थंब रूल का डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन। अब यही चीज यहां पे लगाते हैं। मान लीजिए कि इस डिफरेंशियल वायर एलिमेंट की वजह से कोई मैग्नेटिक फील्ड को हम लोग देखना चाहते हैं, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे दिखाई देगी, अंदर जाते हुए। अब इतना जानने के बाद हम लोग बायो सावर्ट लॉ पढ़ने लायक हो गए। तो बायो सावर्ट लॉ ऐसा दिखता है मैथमेटिकली, मतलब क्या है कि अगर वायर जो है वो खूब लंबाई है उसकी, अच्छी खासी लेंथ है, तो उसका एक छोटी सी लेंथ ले ली डेल्टा एल या डीएल, और इसकी वजह से किसी भी एंगल पे निकलने वाली जो मैग्नेटिक फील्ड है यानी कि डेल्टा बी, इस छोटे से वायर पार्ट की वजह से छोटी सी मैग्नेटिक फील्ड को निकालने का जो तरीका है वो ये है। और ये तरीका किसने समझाया,
बायो सावर्ट ने, इसीलिए इसको कहते हैं बायो सावर्ट लॉ। कभी कभी आपको ये डेल्टा की जगह, ये मतलब कोई नई चीज नहीं है भाई, डिफरेंशियल तरीके से लिख दें तो ये डी बी, और ये इसको नीचे ले आए डी बी बाई डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन फोर पाई आई साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। मतलब इसको डिफरेंशियल में लिख दिया, कुछ लोग इस तरह से भी इसको जानते हैं, बट ज्यादातर जो इंडियन राइटर्स हैं वो ये वाला आप प्रेफर करते हैं। आपको जैसे एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है कि भाई इनमें से कौन सा करेक्टली बायो सावर्ट को रिप्रेजेंट करता है, तो उसमें थोड़े थोड़े डेल्टा बी डेल्टा ई डेल्टा एल डेल्टा एक्स ऐसे इनको चेंज कर देंगे, म्यू नॉट की जगह एप्सिलॉन नॉट लिख देंगे, आर स्क्वायर की जगह आर क्यूब कर देंगे, इस तरह से चार ऑप्शन आपको क्रिएट कर दिए जाएंगे। तो बायो सावर्ट लॉ कौन सा बताता है, ये वाला बताता है। अब आपका सवाल होगा सर ये मतलब म्यू नॉट नहीं समझ में आया, याद रखिए जब हम लोग इलेक्ट्रिसिटी पढ़ रहे थे तब था 1/4 pi epsilon naught की वैल्यू थी 9 × 10⁻¹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। अब बिल्कुल उसी तरह जो म्यू नॉट अपॉन फोर पाई है उसकी वैल्यू को हम लोग देखेंगे, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई की वैल्यू होती है 10⁻¹⁷, लेकिन यूनिट अलग हो जाएगी, 10⁻¹⁷ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, म्यू नॉट अपॉन फोर पाई अपॉन फोर पाई की पूरे की वैल्यू ये है, ठीक है, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर नहीं है, न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, ठीक है। तो ये भी वैल्यू अब आपको आगे याद रखनी पड़ेगी, लेकिन ज्यादातर ये आपको दी रहेगी। जैसे इसमें एप्साइलन नॉट को अलग से हम समझते थे, क्या कहते थे, परमिटिविटी, मिट्टी इसलिए मैं बोलता हूं ताकि डबल टी याद रहे, ऑफ फ्री स्पेस, है ना, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, उसी तरह इसको बोलते हैं हम लोग, केवल म्यू नॉट को अलग से समझें तो इसको बोलते हैं परमीएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये तो आसान है, यहां पे म्यू नॉट की वैल्यू अलग से निकालना आसान है, आराम से कोई बोल सकता है कि अच्छा 4 पाई को उस तरफ ले जाओ, म्यू नॉट की वैल्यू क्या आ जाएगी, 4 pi × 10⁻¹⁷, और एप्साइलन नॉट की वैल्यू क्या होती थी, चलिए यहां लिख देता हूं मैं, एप्साइलन नॉट की वैल्यू आप बताएंगे 8.87 × 10⁻¹ⁱ, और जो इसकी यूनिट है कूलॉम स्क्वायर डिवाइडेड बाई उसका उल्टा न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, एप्साइलन नॉट की वैल्यू में मैंने थोड़ा सा करेक्शन किया, वही 8.85 होती है 10⁻¹⁰, और इसकी यूनिट तो एप्साइलन नॉट की यूनिट 1/4 pi एप्साइलन नॉट की उल्टी होती है, लेकिन म्यू नॉट और म्यू नॉट अपॉन फोर पाई दोनों की सेम ही यूनिट होती है। तो ये याद रखिएगा, बहुत बार म्यू नॉट और एप्साइलन नॉट का नाम ही पूछ लिया जाएगी, उनकी वैल्यू पहचानने के लिए आ जाएगा, तो ये सब हमें आना चाहिए। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ फाइनाइट लेंथ, तो इसी फॉर्मूले का बायो सावर्ट लॉ का यूज करके हम लोग ये रिजल्ट निकाल लेते हैं, वो इंटीग्रेशन के बाद आता है, लेकिन हमें कुछ भी यहाँ पर डेरिवेशन सीखना नहीं है क्योंकि ऑब्जेक्टिव एग्जाम है, तो आप ये याद कर लीजिए। अब याद करने में क्या होगा, ये फाई वन और फाई टू दो एंगल हैं, ये आपको दिए रहेंगे, अगर इस तरह का केस होगा वैसे ही एंगल होंगे 30°, 60°, 45° टाइप के, करंट आपको बता दिया जाएगा, आर ये डिस्टेंस आपको बता दिया जाएगा,
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आप जानते हैं 10^-7, तो इससे आपकी मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर आ जाएगा, ये पॉइंट इस वायर से आर डिस्टेंस पे है। इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जब फाइनाइट लेंथ की जगह इनफाइनाइट लेंथ वाला केस आ जाए, यानी ये जो वायर है ये अब बहुत नीचे तक है, इंफिनिटी तक है, ये माइनस इंफिनिटी तक है और ये प्लस इंफिनिटी तक है, बहुत लंबा वायर है, तब क्या होगा, ये एंगल बढ़ते 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 कितने हो जाएंगे 90 डिग्री, ये भी एंगल बढ़ते 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 कितना हो जाएगा 90 डिग्री। तो बस आपको 51, 52 की जगह 90 डिग्री रखना है और कोई नया काम नहीं है। तो इनफाइनाइट वाले केस में क्या हो जाएगा, 51 = 52 = 90 डिग्री या फिर π/2। साइन 90 डिग्री कितना होता है, 1 होता है, तो साइन 90 यहां पे 1 रख दिया, बस अपना क्या आने लगा, म्यू नॉट अपॉन 4π I डिवाइडेड बाई R, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, साइन 90 डिग्री 1 हो गया, है ना, ये R है भाई, तो ये 2 हो जाएगा। तो मैं तो ये प्रेफर करता हूं कि हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4π ही लिखें और यहां पे 2I डिवाइडेड बाई R लिखें। कुछ बुक्स में 2 और 4 को भी काट देते हैं, वो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन म्यू नॉट अपॉन 4π की जब रटी रटाई 10^-7 वैल्यू है तो उसे वैसे ही बनाए रखिए। सो दिस इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ वायर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ, है ना। इसको दूसरे तरीके से भी बोला जा सकता है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ इनफाइनाइट लेंथ। डायग्राम दोनों का फाइनाइट लेंथ का ये फॉर्मूला है, इनफाइनाइट लेंथ का फॉर्मूला ये आ जाता है, वो भी वहीं से डिराइव होता है, ये भी नोट कर लीजिए। एक मामूली सा सवाल कर लेते हैं इसी चीज में, जहां पे साइन 51 साइन 52 लिखा हुआ है। मान लीजिए एक करंट कैरिंग कंडक्टर है जिस पे करंट बहुत ज्यादा जा रहा है, 100 एम्पियर करंट जा रहा है, उस वायर से 10 मीटर दूरी पे पॉइंट पी स्थित है। पॉइंट पी पर हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं, पॉइंट पी वायर से 10 मीटर दूरी पे है, पॉइंट पी से जब अपर एंड को देखा जाए तो 30 डिग्री एंगल आ रहा है, पॉइंट पी से जब लोअर एंड को देखा जाए तब भी 30 डिग्री एंगल आ रहा है, यानी 51, 52 हम लोग को 30 डिग्री दिया हुआ। सब कुछ वैल्यू यहाँ पे फटाफट रख दीजिए, म्यू नॉट अपॉन 4π क्या होता है 10^-7 और आई क्या होता है, आई हो जाता है 100 एम्पियर यहाँ पे 10^2, आर क्या हो गया 10 मीटर, 10, साइन 30 डिग्री कितना होता है, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, साइन 30 डिग्री होता है 1/2, जानबूझ के वैल्यू मैंने ऐसे दी थी, तो 1/2 मिलके क्या हो जाएगी 10^-7, 10^2, 10^-1 और 1/2 + 1/2 1 हो गया। तो अपना मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या आ जाएगा, 7 × 1 = 8, 8 में से 2 गया 6, 10^-6 और मैग्नेटिक फील्ड की SI यूनिट क्या होती है, टेस्ला। सो बी इज इक्वल टू 10^-6 टेस्ला, वही इलॉन मस्क वाली टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग लूप, देखिए लूप हो सकता है या कॉइल हो सकता है, लूप का मतलब है कि एक ही सर्कल है, ऐसा है बेंगल टाइप का है, लेकिन अगर ऐसे ही बहुत सारे लगा दिए जाए, बहुत सारे लगा दिए जाए और एक कंटिन्यूअस सोलेनॉइड टाइप का बना दिया जाए, जैसा हम लोग यहाँ पे एक ही वायर है वो बार 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 आ रहा है ना, तो तब हम लोग किसकी बात करेंगे कि n इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्म्स। अगर नंबर ऑफ टर्म्स यहाँ पे n की जगह 1 कर दिया जाए तो ये सोलेनॉइड जो है ये सिंगल लूप में ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। सोलेनॉइड को कभी कभी ये लोग कॉइल भी कहें। तो अगर आपसे बोला जाए कि मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ अ करंट कैरिंग कॉइल, तब भी यही मतलब होगा, कॉइल बोले सोलेनॉइड बोले एक ही बात, सब में यही फॉर्मूला है, बस जब सिंगल लूप बोल दे तो लूप में एन की जगह आप 1 रख दीजिएगा।
अब समझते हो क्या रहा। मान लो एक ही लूप है, तो ये लूप में ऐसे करंट चल रहा है, इस करंट की वजह से हर जगह इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगी। इस पॉइंट बी पे मैग्नेटिक फील्ड हम निकालना चाहते हैं, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे, तो बी का मैग्नीट्यूड कैसे दिया जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 पाई एन आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई ऐसा। अब ये ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ये इतना गंदा क्यों आ रहा है, क्योंकि यार यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम लगाया गया और हम लोग इस डिस्टेंस में इंटरेस्टेड है, तो इस डिस्टेंस में जब इंटरेस्टेड थे इसको इंटीग्रेट करते हैं तो पावर 1/2 जो है वो 3/2 टाइप बन जाती है। आता ये कहां से है, बायो सावर्ट लॉ से ही आता है। बायो सावर्ट लॉ का इस्तेमाल करके हम लोग यहां तक पहुंच जाते हैं। ये इसकी भी प्रूविंग है, प्रूविंग इज नॉट इन आवर कोर्स, लेकिन इससे ज्यादा इंटरेस्टिंग और साफ सुथरा तब होगा जब हम कहें कि भाई एक्स जो है वो जीरो है, यानी कि हम लोग एक्स को जीरो कर दिया तो ये पॉइंट कहां आ गया, सेंटर में आ जाएगा। एक्स की वैल्यू जीरो हो गई तो पॉइंट सेंटर में आ जाएगा, तो यानी कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर अगर निकालना चाहें तब क्या होगा, तो B is equal to mu naught upon 4 pi, सही से लिख दे, और एक ही लूप है, n is equal to 1 भी रख लो यार, तो ये क्या हो जाएगा 2 pi, n की जगह 1 रख दिया, i की जगह जो भी करंट जा रहा है जाने दो, a square कोई दिक्कत नहीं है, नीचे थोड़ा सही हो जाएगा, a square plus 0 square raised to the power 3/2, तो b क्या आ जाएगा, पाई पाई भी उड़ा दो, 2 भी उड़ा दो, इस बार कर लेते हैं यार बुक की तरह। अच्छा अब ये तो 1 हो गया, i यहाँ पे बना है, i multiplied by a square है और नीचे a square की power 3/2 है, तो ए स्क्वायर की पावर 3/2 होगी, तो ये 2 कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन 2 आई ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए क्यूब, इस पूरे डिनोमिनेटर की जगह ए क्यूब आ जाएगा, ए क्यूब को आप लिख लीजिए ए स्क्वायर इंटू ए, इससे फायदा हो जाएगा थोड़ा सा, ए स्क्वायर कट जाएगा, तो अपना जो फॉर्मूला अब आ गया वो बड़ा ही सुंदर सा, म्यू नॉट आई अपॉन 2a, ठीक है। तो ये बहुत पूछा जाता है, अगर आपको ये याद है तो क्या करेगा, लूप का रेडियस दे देगा, लूप में करंट दे देगा, और बस आपको उसकी मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, जैसे मान लीजिए ये लूप है और इस लूप के सेंटर पे यानी कि यहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, ठीक है। चलिए एक सड़ा सा सवाल दे देता हूं मैं आपको, कि देखिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई जो होती है वो होती है 10^-7, ठीक है, ये हमें याद है मान लीजिए। तो अब हमें क्या करना है, एक लूप है उसका रेडियस जो है वो 10 सेंटीमीटर है, करंट उसमें 10 एम्पियर जा रहा है, तो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट अपॉन करंट तो 10 एम्पियर सीधा सीधा रख दिया, 2 ए रेडियस उसका 10 सेंटीमीटर तो 10 × 10^-2, बस यही अपना सवाल खत्म होने को है ना। अब म्यू नॉट की वैल्यू क्या होती है, 10^-7 4 पाई इधर चला जाएगा ना, डिवाइडेड बाई 2 × 10^-2, तो यहां से अपनी बी की वैल्यू बढ़िया से निकल आएगी, 2 कैंसल हो गया, 2 आ गया यहां पे, तो 2 पाई भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं कुछ लोग, मैं तो नहीं करूंगा, 2 × पाई कितना हो जाएगा, 2 पाई, और ये ऊपर चला जाएगा तो 10^-5 टेस्ला अपनी इस सर्कुलर लूप के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगी। तो इस तरह के सवाल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं, आपको याद ये होना चाहिए, याद ये होना चाहिए, बाकी किसका क्या मतलब है वो मैंने यहां पे लिख दिया है। एम्पियर्स सर्किटल लॉ बिल्कुल गॉस लॉ से मिलता जुलता है, एग्जैक्टली सेम तो नहीं है, क्योंकि गॉस लॉ में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का
सरफेस इंटीग्रल करते थे, है ना। और यहां हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इंटीग्रल कर रहे हैं, ठीक है। ये म्यू नॉट अपॉन आई के, म्यू नॉट मल्टीप्लाइड बाय आई के बराबर है, ये क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर था। तो इसलिए मैंने थोड़ा कंपैरिजन करके लिख दिया। अभी हम लोग सर्किटल लॉ ही पढ़ रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए कि मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड का अगर हम लाइन के हिसाब से इंटीग्रेशन कर देंगे, किसी लेंथ के हिसाब से इंटीग्रेशन कर देंगे, तो क्या आएगा, उस लाइन से बनी हुई जो सरफेस है उससे जाने वाला करंट हमें पता चल जाएगा। वो करंट कितना होगा, करंट को म्यू नॉट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो बी डॉट डीएल का इंटीग्रेशन आ जाएगा। ये मतलब थोड़ा स्टेटमेंट डेंजरस है देखने में, लेकिन हम लोग को इसको ऐसे ही समझना है। जब इस पे बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे तो ये इतना कठिन नहीं दिखाई देगा। फिलहाल हम लोग ये समझ लें, थोड़ा सा याद कर लें कि म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट क्या क्या होते थे। एप्सिलॉन नॉट से तो अब तक हमारी दोस्ती हो चुकी है। ये था परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी। काफी मिलते जुलते नाम है, और मिलते जुलते नाम है तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को अट्रैक्ट करेंगे ये। दिस इज परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस। इन दोनों का भी आपस में रिलेशन है, ठीक है। म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट को आपस में आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, उसका इनवर्स ले लीजिए, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, सी के। सी इज नथिंग न्यू। सी क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट की वैल्यू हम लोग बहुत बार याद कर चुके हैं, 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड। दिस इज द स्पीड ऑफ लाइट, ये तो पता था हमें। 1/4 πε₀, दोस्ती हो चुकी है, अब तक रट चुके हैं। 9×10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय कूलॉम स्क्वायर। म्यू नॉट अपॉन 4π भी अब आपको उसी तरह याद करना पड़ेगा जैसे ये याद करते रहे। 10⁻⁷ न्यूटन डिवाइडेड बाय एम्पियर स्क्वायर। अरे वाह, ये तो इससे भी आसान है ना। याद रखिएगा -7 है, ठीक है। आपको म्यू नॉट अपॉन 4π की वैल्यू याद रहे और 1/4 πε₀ की वैल्यू याद रहे तो बहुत अच्छा होगा। कई क्वेश्चंस में आपको कुछ नहीं दिया रहेगा, ऑब्जेक्टिव एग्जाम में वो स्किप कर सकते हैं कि वो ना दें, है ना। इनकी वैल्यू अगर नहीं देंगे तो भी आपको याद करके अपने हिसाब से उसको लिखना पड़ेगा। ये हो सकता है कि म्यू नॉट की वैल्यू आपसे पूछ ली जाए तो आप इसी की हिसाब से निकाल लेंगे, 4π को इस पार पहुंचा देंगे, म्यू नॉट की वैल्यू आ जाएगी। यहां से एप्सिलॉन नॉट भी निकालना ज्यादा मुश्किल नहीं, एप्सिलॉन नॉट को ऊपर ले जाइए, 4π डिवाइडेड बाई 9×10⁹, है ना। मतलब 1/4 सब कुछ, 4π और 9×10⁹ भी नीचे ही आ जाएगा। फिर उसका इनवर्स कर लीजिए, कैलकुलेट कर लीजिए। ये कर सकते हैं आप अगर म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट के अलग अलग नहीं याद करना चाहते, लेकिन ये तो याद करना ही होगा। तो अब इस पर मैग्नेटिक फील्ड अगर हमें निकालनी है, लॉन्ग स्ट्रेट वायर मैंने लिखा है लेकिन यहाँ स्ट्रेट बनाया नहीं है। आप स्ट्रेट ना भी बनाए अगर कर्व में भी जाएं, हमें बस इतना ही करना है कि चाहे जैसा वायर का शेप हो, आप उससे एक कांस्टेंट डिस्टेंस आर पर बी निकालें। जैसे मान लीजिए कि वायर भाई थोड़ा ऐसा हो गया, टेढ़ा हो गया, जैसे कि सैगिंग हो जाती है वायर्स की, तो ये आर हो जाए और ये आर, है ना, ये बस परपेंडिकुलर आप मेंटेन करें, ऐसा कुछ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो इसलिए स्ट्रेट ना भी हो तो भी चलेगा, लेकिन बस हम उससे आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे गॉस थ्योरम में गॉसियन सरफेस बनाते थे, ऐसे ही यहां पर एम्पीरियन लूप बनाएंगे, ठीक है, क्योंकि लाइन इंटीग्रल करना है तो एम्पीरियन लूप बनाएंगे। तो सबसे अच्छा लूप तो सर्कुलर होता है, ये बना लिया अपना एम्पीरियन लूप, ठीक। इससे जाने वाला करंट क्या है, आई है, तो बस इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल
डीएल कहां से आएगा, ये है छोटा सा एम्पीरियन लूप में छोटा सा लेंथ ले लिया वो डीएल हो गया, आप चाहें तो इधर भी ले सकते हैं, ठीक है, ये बी डॉट डीएल हो गया। तो अब ये इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल करेंगे हम, ये मानेंगे कि हर एक आर पे, पूरे आर पे मैग्नेटिक फील्ड तो उतनी ही होगी, ये हम लोग पहले देख भी चुके हैं बायो सावर्ट लॉ से जब कर रहे थे, तो ये बी डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई हो जाएगा। इंटीग्रेशन ऑफ डीएल क्या होगा यार, इस लेंथ को पूरा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, इसका सर्कमफेरेंस हो जाएगा, 2 पाई आर आ जाएगा, म्यू नॉट आई, और बस ये बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई डिवाइडेड बाई आर। अगर हम लोग म्यू नॉट अपॉन 4 पाई तक जाना चाहते हैं, क्योंकि म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू अपन याद कर चुके हैं 10^-7, तो ये हो जाएगा 2i बाई आर, समझ गए। तो ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, ये भी फॉर्मूला याद कर सकते हैं, मुझे ये वाला ज्यादा पसंद है। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी मेहनत करके हम लोगों ने बायो सावर्ट लॉ की मदद से निकाला था यही चीज, पहले की एक छोटे वायर से किया था, फिर फाई वन और फाई टू को 90-90 डिग्री किया था, तब हम लोग यहां तक पहुंच पाए थे, लेकिन एम्पियर सर्किटल लॉ से ये कितने प्रेम से धीरे से ही हो गया। तो यही याद रखिएगा, जिस तरह से कूलॉम्स लॉ का जो भी डेरिवेशन होते हैं वो गॉस लॉ ने बहुत सिंप्लीफाई कर दिए थे, वैसे ही बायो सावर्ट लॉ के जो भी डेरिवेशन होते हैं उनको एम्पियर सर्किटल लॉ ने बहुत ही आसानी से सिंप्लीफाई कर दिए थे। देखिए, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट वायर जो हम लोग निकालना चाहते थे वो यहां पर हम लोग निकाल के बैठे हुए हैं, तो यही उस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है। अगर आप इसका डायरेक्शन निकालना चाहते हैं तो देख लीजिए मैग्नेटिक फील्ड कैसे जाएगी, अगर करंट ऐसे जा रहा है, ये आई आर मैं कभी बड़ा लिख देता हूँ कभी छोटा लिख देता हूँ, चलो तो छोटा ही लिख देते हैं। अगर करंट ऊपर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड लूप्स ऐसे जाएंगे, और हम लोग ने सीखा था कि यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाहर आती है और यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है वो अंदर जा रही होती है, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड कमिंग आउटसाइड, परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ बोर्ड गोइंग इनसाइड, इस तरह से ये लूप कंप्लीट होगा। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सोलेनॉइड और टोरॉइड, ठीक है, तो पहले सोलेनॉइड और टोरॉइड की शक्ल देख लेते हैं। ऐसे कॉइल टाइप का है, एक सॉलिड कोर ले लिया या पेंसिल ले ली, कुछ भी ले लिया आप, एक सिलेंडर टाइप की चीज ले ली, उसके चारों तरफ वायर को लपेट दिया, ऐसे स्प्रिंग टाइप में लपेट दिया, एक दोनों एंड्स जो हैं उनको बैटरी से कनेक्ट कर दिए, इससे करंट पास हो जाएगा, है ना, करंट फ्लोइंग थ्रू द ईच लूप आई हो जाएगा। तो अब इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आएगी वो क्या आएगी, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, बस बहुत मस्त फॉर्मूला है इसका, देखिए कोई डिस्टेंस डिस्टेंस पे निर्भर ही नहीं कर रहा, बस ये लॉन्ग सोलेनॉइड है, हम ये मान के चले काफी बड़ा है ये। अब इसी सोलेनॉइड को हम लोग ने मतलब यहां से तार खोल दिए, इनको ऐसे दोनों एंड्स को मिला दिए, तो ये जो सिलेंडर था वो एक टायर के ट्यूब जैसा बन गया, नहीं जैसे यार मोटरसाइकिल के टायर का ट्यूब होता है, ट्रक के टायर का ट्यूब आपने देखा होगा, डोनट जैसा थोड़ा बहुत, है ना, तो उसको फिर से तार से लपेट दिया गया इस तरह, जैसे यहां बैटरी लगी थी ऐसे यहां बैटरी, ये बैटरी है भाई, ठीक है, अच्छा पॉजिटिव एंड से करंट निकल रहा है, यही अपना पुराना काम हो रहा है, इसका भी मैग्नेटिक फील्ड वही आ जाता है, बी इज इक्वल टू म्यू नॉट एन आई। देखिए आई से तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई क्या है, आई है करंट, और बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, म्यू नॉट क्या है, म्यू नॉट अगर नहीं आता है तो कोई बात नहीं, ये तो जानते हैं हम लोग, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इज इक्वल टू 10^-7 न्यूटन डिवाइडेड बाई एम्पियर स्क्वायर, तो म्यू नॉट की वैल्यू यहां से आ जाएगी। एन जो है यहां पे नंबर ऑफ टर्म्स नहीं है,
इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, याद रखिएगा, ठीक है, एन इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ।